हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 26 मई से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1739 ईस्वी में आज ही के दिन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने ईरान के नादिर शाह के साथ एक समझौते के तहत अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया था। सन 1906 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर वैज का जन्म हुआ था। सन 1912 ईस्वी में आज ही के दिन प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक छगन राज चौपासनी वाला का जन्म हुआ था। सन 1926 ईस्वी में आज ही के दिन लेबनान ने संविधान को अपनाया था। सन 1946 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता तथा राजनीतिज्ञ अरुणा रॉय का जन्म हुआ था। सन 1957 ईस्वी में आज ही के दिन बम्बई में जनता बीमा पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। सन 1969 ईस्वी में आज ही के दिन अपोलो 10 के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सकुशल लौटे थे। सन 1973 ईस्वी में आज ही के दिन बहरीन ने संविधान को अपनाया था। सन 1983 ईस्वी में आज ही के दिन बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार का जन्म हुआ था। सन 1986 ईस्वी में आज ही के दिन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा का निधन हुआ था। सन 1987 ईस्वी में आज ही के दिन श्रीलंका ने जाफना में तमिल विद्रोहियों के खिलाफ अभियान छेड़ा था। सन 1999 ईस्वी में आज ही के दिन इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के तीन उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। सन 1999 ईस्वी में आज ही के दिन सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 318 रन की भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सन 2000 ईस्वी में आज ही के दिन हिजबुल्ला ने घोषणा की थी कि उसके जो लड़ाके हैं वो दक्षिणी लेबनान से वापस चले जाएंगे। सन 2014 ईस्वी में आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2020 ईस्वी में आज ही के दिन मिजोरम ने खेल गतिविधियों के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए खेलों को औद्योगिक दर्जा दिया था। इसके साथ ही मिजोरम यह कदम उठाने वाला पहला राज्य बना था। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन एक कला इतिहासकार लॉरेंस डेस कार्स 228 वर्षों में फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उन्हें इस पद के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा नियुक्त किया गया था। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के सभी 34 जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किए थे। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन लेखक और कला क्यूरेटर अलका रघुवंशी का निधन हुआ था। वह भारत की पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर थी जिन्होंने गोल्ड स्मिथ कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड में आधुनिक कला संग्रहालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।